स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सेकंड क्लास चल रही है, जिसमें हम अब आगे अपना नया टॉपिक उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके बाद जलवायु, फिर नदियाँ, फिर झीलें। तो सबसे पहले चलते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, अर्थात ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये तो बात हुई कि भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। अब हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम दिशा में कौन से हैं, दक्षिण दिशा में कौन से हैं, पूर्व दिशा में कौन से हैं। सबसे पहले एक और बात जान लें, उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 वर्ग किलोमीटर है, और जो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई है वो 240 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो उत्तर में जो राज्य हैं वो राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? वो है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में जो राज्य है वो राज्य है हरियाणा, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ऐसे ही यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय देश है जिसको हम नेपाल कहते हैं। नेपाल ही भारत के उत्तर में स्थित है। ये तो हमने जाना भारत के उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में है वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके पूर्व में बिहार। तो हमें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में है बिहार, दक्षिण में छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर में उत्तराखंड और इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश से जो जिन राज्यों की सीमाएं सटी हुई है केंद्र शासित, वो मिलाकर कुल 9 है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य कौन कौन से हुए? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ये तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले सटे हुए राज्य। अब बात करते हैं इन राज्यों से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, उसका नाम सहारनपुर। कौन सा जिला लगता है? सहारनपुर। पहले बात करते हैं जो एक एक जिला उत्तर प्रदेश के लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक जिला लगता है, सहारनपुर। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और झारखंड से उत्तर प्रदेश का एक ही जिला लगता है। कौन सा लगता है? वो सोनभद्र। तो हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश से एक जिला जो लगता है वो हिमाचल प्रदेश से जो लगता है वो है सहारनपुर। उसके बाद जो जिले लगता है, जैसे सोनभद्र से एक ही राज्य छूता है छत्तीसगढ़, और झारखंड से एक ही राज्य छूता है, कौन सा है वो? मतलब झारखंड जो राज्य उसे एक ही जिला लगता है सोनभद्र। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड से कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। तो उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं वो हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो उत्तराखंड से जो
उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं वो सहारनपुर से लेके बरेली पीलीभीत तक के जो जिले हैं वो उत्तराखंड से लगते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये जिले लगते हैं उत्तराखंड से। अब आगे जानते हैं कि नेपाल से कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। तो पीलीभीत, पीलीभीत के बाद आता है खीरी, खीरी के बाद आता है बहराइच, बहराइच के बाद आता है श्रावस्ती, खीरी, खीरी के बाद बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज। जो नेपाल से जो जिले लगते हैं वो इस प्रकार हैं: पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक के जो जिले हैं वो लगते हैं आपके नेपाल से। तो नेपाल के बारे में जाना, उत्तराखंड के बारे में जाना। अब जानते हैं पश्चिमी के जो राज्य हैं वो कौन कौन से जिलों को उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो अब हम देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली से सिर्फ दो जिले लगते हैं जो कि हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हमने जाना दिल्ली से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर लगते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं वो बहुत ही जानना जरूरी है उनको। सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद लगता है बागपत, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़ और अलीगढ़ के बाद मथुरा। तो हरियाणा से लगने वाले जो जिले हैं वो है सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद बागपत, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो ये जो पट्टी है ये लगती है हरियाणा से। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान से सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? वो है मथुरा और आगरा। तो मथुरा और आगरा किससे लगते हैं? राजस्थान से। तो हमने जाना मथुरा से, राजस्थान से कौन से लगते हैं, हरियाणा से कौन से लगते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश से कौन से लगते हैं। तो एक और बात हमें जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा जो बनाता है उत्तर प्रदेश वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और सबसे ज्यादा जिले भी ये मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी सीमा बनाता है, जो कि सिर्फ बनाता है किससे? सहारनपुर के साथ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? वो है आपके आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, उसके बाद आता है आपका मिर्जापुर, इलाहाबाद और सोनभद्र। कौन कौन से जिले मिलते हैं? 11 जिले मिलते हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, इलाहाबाद और सोनभद्र। तो हमने इसमें 2 बात जानी। जो ये ललितपुर है ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो वो है ललितपुर। तो इसी बीच में हमने जाना ललितपुर जो है वो 3 ओर से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं आगे तो जो बच्चे हैं बिहार की। तो बिहार से ऐसे कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के छूते हैं? वो इस प्रकार है, सबसे पहले महाराजगंज आता है, महाराजगंज के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद आता है आपका देवरिया, फिर बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कौन कौन से जिले हैं जो बिहार से लगते हैं? तो वो लगते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अब हमने देखा कि सोनभद्र की जो सीमा है वो 4 राज्यों को छूती है। कौन कौन से राज्यों को छूती है? वो छूती है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। तो वो 4 राज्य कौन कौन से, आपसे बात याद रखने के लिए एक बार और बता देता हूं: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र की सीमा से लगे हुए हैं। इसी प्रकार एक और जिला है जो उत्तर प्रदेश का जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है वह हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ सीमा बनाता है?
और बनाता है आपका उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, और उत्तराखंड के साथ बनाता है, हरियाणा के साथ बनाता है, ये है हमारे जो इसके साथ सीमा बनाता है, किसके साथ, हिमाचल प्रदेश भी हमारे पास ऐसा जिला है, नहीं सहारनपुर, सॉरी मैं सहारनपुर के बारे में बता रहा था, हिमाचल प्रदेश से पहुंच गया उसके लिए सॉरी, सहारनपुर ऐसा जिला है जो तीन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं वो राज्य हैं आपके उत्तराखंड में भी आता है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, कौन कौन से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये होगा कि तीन राज्यों से कौन सा छूटा है, हिमाचल प्रदेश, चार राज्यों से कौन सा छूटा है आपका सोनभद्र, और तीन ओर से जो घिरा हुआ है वो ललितपुर है। उसके अलावा उत्तराखंड नेपाल से जो लगते हैं वो कौन कौन से, खीरी है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज तक का एरिया आपका इससे लगता है। तो ये हमने जाना इसके बारे में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य उसके साथ लगती हैं। अब थोड़ा सी बात आगे चलते हैं, बात करते हैं नदियों के बारे में। वैसे उत्तर प्रदेश से नदियों से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते क्योंकि इसका विस्तृत जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है ज्योग्राफी में, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा उनको बांटा गया है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, और तीसरा बांटा गया है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, राप्ती है, ये नदियां जो है और आधी नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय सबसे पहले हिमालय नदियों में देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या इनका वो है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो जो प्रवेश करती है वो करती है आपके बिजनौर से, कहां से करती है, बिजनौर से। तो गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है और ये सीधा 28 जिलों से होती हुई ये कहां चली जाती है, बलिया, और बलिया से निकलकर ये अन्य राज्य में चली जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से दूसरे राज्य में चली जाती है। तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया तक जाती है और अन्य स्टेट में चली जाती है। ये तो हुआ ये। दूसरा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से ऐसे मुख्य जिले हैं, प्रमुख जिले हैं जो बसे हुए हैं। तो ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, इसके अलावा आप गढ़मुक्तेश्वर भी बता सकते हैं जो कि हापुड़ में पड़ता है, उसका बुलंदशहर में नरोरा परमाणु केंद्र भी जो है गंगा नदी के किनारे ही बना हुआ है। तो इस प्रकार जो ये प्रमुख हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के बारे में हमने जाना कहां से प्रवेश करती है, कहां से निकलती है, उसके अलावा ये जाना कि ये कितने जिलों से होकर निकलती है। अब बात करते हैं, इतना ही यूपी से पूछेगा और ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद बात करते हैं हम और नदियों की, किसकी, रामगंगा। रामगंगा नदी भी जो है वो भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है और बिजनौर से प्रवेश करने के बाद वो सीधा कन्नौज में कहां पर जाके मिलती है, यहां पे कन्नौज पड़ता है, कन्नौज में जाके वो गंगा में मिल जाती है। तो रामगंगा बिजनौर से प्रवेश करती है और कन्नौज में जाके रामगंगा गंगा में मिल जाती है। तो इतना ही हमसे मालूम कर पूछ सकता है कि किस किस कहां से निकल जाती है और कहां जाके गंगा में मिलती है। उसके बाद गोमती नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोमती नदी के बारे में, क्योंकि गोमती नदी ही है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है, ये निकलती है पीलीभीत की फुल्लर नामक झील से। कहां से, पीलीभीत की फुल्लर नामक झील से निकलती है, कौन सी नदी, गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और ये कहां जाके गंगा में मिलती है, तो ये गंगा में जाके मिलती है, कहां पर, गाजीपुर में। तो गाजीपुर में जाकर गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। उसके बाद यमुना, यमुना हम जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के ये जो प्रयाग में जाके मिलती है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है। इसके बाद देखिए यमुना, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ही आके यमुना में मिलती हैं, जैसे कि हम देखते हैं बेतवा है, या फिर बेतवा के बाद हम यमुना, बेतवा के बाद हम ये मान सकते हैं चंबल है या कैन है। तो ये जानना भी जरूरी है कि यमुना में कहां जाके मिलती है। तो ये यमुना में जो चंबल है वो जाके मिलती है इटावा में। कहां जाके मिलती है चंबल, यमुना में, इटावा में। और जो आपकी बेतवा है वो मिलती है हमीरपुर में जाके, और जो कैन है वो बांदा के निकट मिलती है, जो
बांदा चित्रकूट के आसपास पड़ता है उसमें जाके ये मिल जाती है यमुना नदी से। तो ये चीजें हुई, हमने जाना कि भाई उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाती है, यमुना में कौन सी सात नदियां जो उत्तर प्रदेश में से मिलती है, यमुना कहाँ आकर मिलती है, उसके बाद जाना राम गंगा कहाँ से मिलती है, और उसके बाद हमने जाना कि गोमती कहाँ से मिलती है। एक छोटी सी बात और हम जान लें कि गंगा के उत्तरी ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी, मतलब बाएं ओर से, और नीचे से मिलने वाली कौन सी ऐसी नदियां हैं, उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो गंगा में मिलती है राम गंगा मिलती है, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। सबसे पहले राम गंगा, फिर गोमती, फिर राम गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। और नीचे से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है आपकी यमुना, सोन, टॉस, ये जो नदियां हैं ये गंगा के दक्षिणी सिरे से मिलती हैं। तो हमने ये जाना, जो मुख्य क्वेश्चन है पूछ लेता है गंगा के कौन सी किनारे से जो नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। ये तो बात हुई गंगा के नदी के बारे में, और बात ये हुई इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब छोटी सी बात करते हैं जलवायु के बारे में, उसके बाद हम झील के बारे में बताएंगे, अगर एकदम बताएंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा चैप्टर है जलवायु। तो जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछिए कि पूछा कैसी जलवायु है, उसके बाद ये देखा जाए कि उत्तर सभी जितनी भी ऋतुएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, गंगा मतलब वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, छोटी बात जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम कहाँ पड़ती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ से होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, छोटी छोटी बातें हैं। तो हम जैसे बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो गर्म स्थान है उत्तर प्रदेश का वो पड़ता है झांसी और आगरा। तो सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश में वो पड़ती है झांसी और आगरा में, और सबसे जो कम गर्मी पड़ती है वो पड़ती है बरेली में। कहां पर पड़ती है? बरेली में। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में, और सबसे जो न्यूनतम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो होती है आपकी मथुरा में। तो हमने जाना कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा, मथुरा में न्यूनतम वर्षा, और इसके अलावा हमने जाना कि भाई सबसे ज्यादा गर्म आगरा और झांसी रहते हैं, और सबसे कम गर्म ठंडा बरेली रहता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट छूट गया, थोड़ा पहले बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो ये बात हुई हमारी जलवायु के बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतना ही पर्याप्त है आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए कि जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झीलों के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं, कहाँ अवस्थित हैं झीलें, कहाँ स्थित हैं झीलें। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले देखते हैं रामपुर। तो रामपुर में कौन सी झील है जो पड़ती है? तो रामपुर में जो झील पड़ती है वो कौन सी है? गौरा झील। कौन सी झील है? गौरा झील जो पड़ती है वो पड़ती है रामपुर में। समझ में आया? गौरा झील रामपुर में पड़ती है। अब चलते हैं धीरे धीरे मथुरा। मथुरा में कौन सी झील पड़ती है? एक तो पड़ती है आपकी राधा कुंड। कौन सा पड़ता है? राधा कुंड। और एक पड़ती है नौह झील। कौन सी है? नौह झील। तो मथुरा में कौन कौन सी है? राधा कुंड और नौह झील। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन सीधा पक्षी जो कहाँ ये इतने व्यवहार में होते हैं हमारे उसमें पता चल जाता है, जैसे कि सुरहताल झील कहाँ पर है? आगरा में है। सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में है। सुरहताल बलिया में है, या ये छोटी छोटी देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन देवरिया ताल अलग है, जैसे देवरिया में हो, लेकिन देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में है। अब थोड़ी सी एक वो कर लेते हैं, गौरा झील रामपुर में है, और जो शेखा झील कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में। जैसे हम याद रख सकते हैं कि अलीगढ़ शेख, भाई अली जो मुस्लिम लोग हैं वो शेख होते हैं ज्यादातर, तो हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ में पड़ती है शेखा झील, और गौरा झील पड़ती है रामपुर में। दूसरी बात बरेली में, रामपुर से पहले पड़ता है रामपुर का बरेली, तो बरेली में कौन सी झील पड़ती है? लीरौल। कौन सी? लीलौर। कौन सी झील पड़ती है बरेली में? लीलौर झील जो पड़ती है वो बरेली में पड़ती है। समझ में आया आपके? अब उसके बात करते हैं, हमें पहले से पता है कि पीलीभीत में जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी फुल्लर झील। तो तीनों को याद रख लीजिए, रामपुर में गौरा झील, बरेली में लीलौर झील, पीलीभीत में फुल्लर झील। समझ में आया? उसके बाद हमको यह भी पता है मुजफ्फरनगर में जो पड़ती है वो शुक्रताल झील पड़ती है। कौन सी झील पड़ती है? शुक्रताल झील पड़ती है। अब बात करते हैं पीलीभीत से थोड़ा नीचे आके बात करते हैं शाहजहांपुर।
क्योंकि लगातार आ रहे थे इसी के बारे में जान रहे थे। शाहजहांपुर में कौन सी झील पड़ती है, तो शाहजहांपुर में जो झील पड़ती है वो पड़ती है गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर झील। अब बात करते हैं शाहजहांपुर के बाद सीधा आते हैं हम वाराणसी में या गोरखपुर में या मुजफ्फरनगर, हम बता चुके हैं सुल्तानपुर। देखिए बहुत ही इजी झील है, राजा का बांध। कौन सी? राजा। सुल्तान कौन होता है? राजा भी बोल देते हैं, हम सीधा बता सकते हैं कि सुल्तानपुर में कौन सी झील पड़ती है, राजा का बांध। और इसके बाद देखते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में कौन सी पड़ती है? ये पड़ती है दावान। कौन सी पड़ती है? दीवान पड़ती है या दावान, कुछ ऐसे इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोल देते हैं। तो ये पड़ती है आपकी फैजाबाद में। तो हमने जाना रामपुर गौरा झील, अलीगढ़ में शेखा झील, बरेली में लीलावर झील, पीलीभीत में फुलर झील, हाँ लखनऊ छूट गया। तो लखनऊ में जो झील पड़ती है वो पड़ती है करेला झील। कौन सी? करेला। ला मतलब लखनऊ, ला मतलब करेला, समझ में आ गया। लखनऊ में पूछे कौन झील पड़ती है, करेला झील पड़ती है। और गोकुल झील कहाँ पड़ती है? शाहजहांपुर में पड़ती है। उसके बाद हमने बताया कि सुर सरोवर आगरा में पड़ती है। उसके बाद हमने जाना कि नोह झील और राधा कुंड जो पड़ता है मथुरा में पड़ता है। एक छोटी सी बात, जो मोती झील है, कौन सी मोती झील जो पड़ती है वो कानपुर नगर में पड़ती है। उसके अलावा सुक्रताल मुजफ्फरनगर में मैंने आपको बताया। रामगढ़, देखिए रामगढ़ कहाँ पड़ती है? रामगढ़ पड़ती है आपके गोरखपुर में। कहाँ पर? रामगढ़ झील पड़ती है आपके गोरखपुर में। उसके बाद सीधा आया देवरिया, मैंने बताया कि देवरिया थोड़ा कंफ्यूजन नाम है लेकिन पड़ती झील वो कन्नौज में है। राजा का बांध बताया झील, राजा का बांध झील जो पड़ती है वो पड़ती है सुल्तानपुर में। उसके बाद एक छोटा औंधी, औंधी नामक जो झील है वो पड़ती है वाराणसी में। कहां पर पड़ती है? वाराणसी में पड़ती है औंधी झील। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बरुआ झील झांसी में पड़ती है। ये जो झांसी है यहां पर झांसी, इसमें कौन सी झील पड़ती है? बरुआ। तो झांसी में कौन सी है? बरुआ झील। उसके बाद मोती झील हमने जाना, मोती झील यहां कानपुर में पड़ती है। उसके अलावा एक और है, थोड़ा थक गया, गोविंद पंत जो है सागर वो कहां पड़ता है? सोनभद्र। सोनभद्र कहां पर है? ये कृत्रिम झील है जो कि पड़ती है सोनभद्र में। गोविंद पल्लव पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहां पड़ती है? सोनभद्र में। उसके बाद जो पड़ता है टांडा धरी ताल और सिरसी जो पड़ती है मिर्जापुर में पड़ती है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट थी जो झील हमसे पूछी जा सकती है, कौन सी झील कहां पड़ती है। इसी के साथ हमने जाना उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जलवायु के बारे में, नदी के बारे में और झीलों के बारे में। तो यही मेरे हिसाब से पर्याप्त होगा और अधिक जानकारी हम और भी इसको बढ़ाएंगे आगे, जो कि हम बढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। इसके साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।